तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मेरे को कोरियन ड्रामा देखने को सजेस्ट किया, एंड आफ्टर दैट सजेशन मैंने कोरियन ड्रामास देखे। कोरियन ड्रामा में बहुत ज़्यादा क्राइम या थ्रिल तो नहीं होता, बट एक प्यारी सी स्टोरी और रोमांटिक स्टोरी जो आपके दिल को भा जाती है और आपके दिल को घायल करके चली जाती है, कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं। और उसी के बाद मैंने एक लिस्ट बनाई टॉप 5 कोरियन ड्रामास डब्ड इन हिंदी और जो एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल हो, बिकॉज एमएक्स पे सब कुछ फ्री है। तो इसी लिस्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नंबर 5 पे लेटेस्ट लॉन्च हुई वेब सीरीज जो कि एमएक्स प्लेयर पे हिंदी पे भी अवेलेबल है, कोरियन ड्रामा, जिसका नाम है माई गर्लफ्रेंड इज अ एलियन। ये वेब सीरीज 28 एपिसोड की है, लगभग लगभग आधे आधे घंटे के सारे एपिसोड हैं। तो इस वेब सीरीज की कहानी चाय चो क्यो और फैगलिन की है। फैगलिन जिसकी गर्लफ्रेंड एक एलियन है जो कि किसी वजह से अर्थ पे रह गई थी। अब फैगलिन और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में एक रिलेशन बनने लगता है, और अब इसका क्या होगा वो सब जानने के लिए तो आपको ये बेहतरीन सा कोरियन ड्रामा देखना होगा, जिसको देख करके आप भी मुस्कुराने लगेंगे, आपका दिल भी मुस्कुराने लगेगा। इसके बाद नंबर 4 पे जो वेब सीरीज आती है वो भी हिंदी पे डब है और एमएक्स प्लेयर पर ही अवेलेबल है, उसका नाम है मेल्टिंग हार्ट। इस कोरियन ड्रामा में भी 10 एपिसोड हैं, शिवॉय की कहानी है जो कि 10 साल तक अपने प्यार के लिए रिग्रेट करता रहा, पर अब उसको मौका मिला है 10 साल पीछे जाकर के थ्रू टाइम ट्रैवलिंग अपने प्यार को हासिल करने का। पर वहाँ पर क्या कुछ होगा, क्या उसका कोई कंपटीशन होगा वहाँ पर, कैसे क्या कहानी बदलेगी, वो देखने के लिए तो आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी मेल्टिंग हार्ट, एंड आपका दिल भी पिघल जाएगा इस वेब सीरीज के लिए। नेक्स्ट कोरियन ड्रामा है, उसका नाम है 28 फेसेस ऑफ मून। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन ड्रामा है जिसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 8 एपिसोड हैं, 10-10 मिनट की रन टाइमिंग है, बहुत शॉर्ट सी स्टोरी है इसकी और इसको देखते समय अच्छा लगता है। तो इस वेब सीरीज की जो कहानी है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी मंगेतर का डेथ हो जाती है और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लो फील करने लगता है। अब कैसे कैसे वो इन सब चीज़ों से उभरता है, उसकी मैल से तुरंत पहले ही उसके मंगेतर की डेथ हो चुकी है, अब वो कैसे उभरेगा, वही कहानी दर्शाई गई है 28 फेसेस ऑफ मून कोरियन ड्रामा में। वहीं पे इस लिस्ट में नंबर 2 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है रिच मैन, जो कि एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। इसका एक सीजन है और 16 एपिसोड हैं। ये कहानी है लियो चैन की, जो कि एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी का मालिक है, मतलब कि सीईओ है, और वहीं पे वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। बोरा नाम की लड़की से वो मिलता है और इन दोनों के बीच में धीरे धीरे रिलेशनशिप डेवलप होने लगती है। एक एरोगेंट सा लड़का, एक स्वीट सी लड़की, कैसे ये दोनों मिलते हैं और कैसे इनकी कहानी आगे बढ़ती है, वही देखने के लिए आपको ये बहुत ही बेहतरीन सी रिच मैन कोरियन ड्रामा देखना होगा, जो कि एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है, हिंदी पे तो डब ही है। वहीं पे नंबर 1 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है समथिंग अबाउट 1%। ये 2016 का कोरियन ड्रामा है और इसको देख करके आपके दिल भी धड़कने लगेंगे, अगर धड़कना बंद हो गए हैं, आपको रोमांस की फीलिंग फिर से यादें ताज़ा हो जाएंगी, तभी तो ये नंबर 1 कोरियन ड्रामा है, मेरी रिकमेंडेशन है। लीजे जो कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है, इसीलिए उसके दादा लीजे को बोलते हैं कि तुम्हें शादी करनी होगी अगर तुम्हें वसीयत चाहिए। तो लीजे एक स्कूल टीचर से कॉन्ट्रैक्ट करता है और उससे बोलता है शादी के लिए। क्या अब इन दोनों के बीच में, स्कूल टीचर और लीजे के बीच में कभी कोई रिलेशनशिप पनप पाएगा, एक प्यारा सा रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में अगर पनपेगा तो क्या उसका एंड हो जाएगा, और अगर नहीं पनपेगा तो क्यों नहीं पनपेगा, वो सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज कोरियन ड्रामा देखना पड़ेगा समथिंग अबाउट 1%। 2016 में आया था, इसका एक सीजन है, 16 एपिसोड हैं, ऑब्वियसली हिंदी में डब है, एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। आपको कैसी लगी ये वीडियो मेरे को बताइए। अगर कैरेक्टर के नेम के प्रोनंसिएशन में कोई गड़बड़ हो तो माफ कर दीजिएगा, बिकॉज इनके नाम भी बड़े ही अजीब होते हैं, नीचे जो चीचा।